कबू नहीं पाए कृपा करी कह राय पावार उपाय साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम वो मिलना संभव नहीं साधना करना इसीलिए साधन में कभी ढीला नहीं देना चाहिए साधना काय मन वचन साधना शरीर के द्वारा मन के द्वारा और वचन के द्वारा शब्द के द्वारा तीन एक होना चाहिए तब साधना होगी उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में उत्तम समय है रात को 3 बजे जितना जल्दी उठ सकते हो जल्दी जल्दी सो जाओ क्यों उस समय सर्वोत्तम माना गया है उस समय जितना मुनि ऋषि है ये लोग विचरण करते हैं घूमते हैं उस समय कोई साधक अगर भजन करते हैं तो देखते हैं ना तो आशीर्वाद करके जाते हैं उनको कृपा करके फ्रीली हमको एक शक्ति मिल जाती है फ्री आशीर्वाद दे दे तो ये अभ्यास करना पड़ेगा 3 बजे तो उठने ही उठना है ना उठने से अच्छा है मान लीजिए कोई 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोता है तो ऐसा में तो उठना संभव नहीं है तो कोशिश करना चाहिए ज्यादातर घर में क्या होता है गृहस्थी जीवन में सब इधर उधर काम करके चलो थोड़ा सा टीवी देख लिया थोड़ा सा मन की थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए देख लिया उससे रिलैक्सेशन तो मानते हैं लेकिन उसमें चित्त विक्षेप हो जाता है वही दिमाग में घूमता है वो तो वो एक एक घटना एक एक दृश्य ऐसा होता है जो दिमाग से उतरता ही नहीं बदन में बैठे भी सामने आ जाता है इसीलिए जहां तक ये जागतिक विषयक जो विषय है वो दिखना ही नहीं चाहिए और टीवी तो मान लो जरूरी है थोड़ा खबर सुनना कोई बात नहीं थोड़ा खबर सुन लिया और ज्यादा देखने की इच्छा है तो ठीक है थोड़ा सा कोई प्रवचन अच्छा कोई ऑथेंटिक कोई ऐसे ड्रॉप का नहीं उल्टा पलटा बोलने वाला नहीं आजकल ऐसा बोलने वाला बहुत वचन वचन बहुत पटु है बहुत निपुण है वचन में लेकिन उसमें सत्यता उसमें अनुप्रवेश है नहीं तत्व विषय में अनुप्रवेश है नहीं लेकिन शब्द में ऐसा बोलेंगे मालूम होगा जो जानते नहीं है वो ऐसे समझ जाएंगे कि बहुत तत्व दृष्ट है एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसको तो अनुप्रवेश है नहीं इसलिए कहते हैं भक्ता भगवतन ग्राह्य न बुद्धा न चटिकया एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है ना बुद्धि के द्वारा ना टीका पढ़ करके भी होगा नहीं भजन करना ही पड़ेगा बिना भजन वो कभी तत्व विषय अनुभव होना कदापि संभव नहीं वो बोलेंगे बहुत शब्द लेकिन उस शब्द में दम नहीं रहेगा और दम के लिए उसको भजन करना बहुत जरूरी है और मान लीजिए तीव्र भजन करते हैं तो कुछ भी कहे उसका शब्द में दम रहेगा और वो सत्य कहेगा वो झूठ नहीं कहेगा क्योंकि भगवान कहते हैं ना ददा मी बुद्धि जो भक्तन जन्म जानती थे मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है तो चैत्य गुरु रूपे भीतर में शिक्षा देते हैं देखो ऐसा है